मुंबई में आज से दौड़ेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के इस अंडरग्राउंड रूट पर सफर भी करेंगे। इसे एक्वालाइन नाम दिया गया है। इसमें कुल 10 स्टेशन हैं। 12 किलोमीटर 690 मीटर लंबे इस रूट के खुलने और इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक सफर आसान हो जाएगा। इस रूट पर प्रतिदिन 4 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करेंगे। पीएम मोदी इसके अलावा वाशिम और ठाणे में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 पर वाशिम के जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे और संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे में कई हजार करोड़ रुपए की सौगात मुंबई और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को देंगे। 18वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले हो रहे इस दौरे को काफी अहम माना जाता है। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय चुनाव अगले कुछ दिनों महाराष्ट्र चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है। पीएम मोदी वाशिम में 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का वितरण भी करेंगे। इससे लगभग 9,40,00,000 किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष के तहत लगभग 1,920 करोड़ रुपए के 7,500 से अधिक परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे 9,200 किसान उत्पादक संगठनों का राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह बंजारा समाज की समृद्ध विरासत का प्रतीक बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। शाम 4 बजे ठाणे पहुंचे पीएम मोदी। ठाणे में शहरी गतिशीलता बढ़ाने के लिए 32,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री ठाणे में पहुंचकर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 फेज 1 के RAJVL से BKC तक के हिस्से का उद्घाटन शामिल होगा। ये परियोजना मुंबई में शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेलवे परियोजना और उन्नत पूर्वी एक्सप्रेसवे विस्तार परियोजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। ठाणे नगर निगम की नई इमारत का शिलान्यास समारोह भी प्रधानमंत्री द्वारा सम्पन्न होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया के विकास के लिए नैना परियोजना का शिलान्यास करेंगे।